सो गाइस हमारा जो एनसीईआरटी का चैप्टर है 11th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग गॉड, उसका एक टॉपिक जो कि है की जो कि एक टेक्सोनॉमिकल एड का टॉपिक है जो कि सबको डाउट होता है, तो इस पर एक छोटा सा वीडियो। सो की क्या होता है? की एक टेक्सोनॉमिकल एड है, ठीक है, टेक्सोनॉमिकल एड। टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? जो फ्लोरा एंड फौना में स्टडी करते हैं, करने के लिए हेल्प करते हैं। सो टेक्सोनॉमिकल एड इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन हाँ, की इज अनदर, एनसीईआरटी रीड कर रहा हूँ पेज नंबर 13। की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। इससे क्या करते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं एंड बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। जैसे मैं इसे बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब कि जैसे मतलब मैं बोलूँ कि एक शेर और एक चीता में क्या डिफरेंस है, या फिर मैं बोलूँ एक टाइगर में क्या डिफरेंस है एक लायन से, तो मैं बोलूँगा उसके पास ऐसे वो मेन होता है और उसके पास ऐसे सर पे बाल होता है बहुत सारा, उसके पास नहीं होता है ना। और स्पीड मैं बोलूँ चीता टाइगर चीता चीता हाँ चीता जो भी है ज़्यादा तेज़ भागता है उससे, ठीक है। और ये सारे जो डिफरेंसेज हैं ये सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। और जैसे मैं चूहा और बिल्ली में भी कंपेयर कर सकता हूँ, मैं बोलूँ चूहे के पास पूँछ होती है, बिल्ली के पास भी पूँछ होती है। जैसे साइज़ का कंपेरिजन उनके, तो मतलब कोई भी दो ऑर्गेनिज्म लेंगे उनमें जो भी सिमिलर और डिसिमिलर के बेसिस हैं, जो भी डिसिमिलर और सिमिलर ट्रेट्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, उनके बेसिस पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो की इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जनरली अ पेयर कॉल्ड कपलेट, ठीक है। एक की ले लेते हैं हम इंटरनेट से, की टेक्सोनॉमिकल, एक कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं उससे काफ़ी अच्छे समझ लेगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है हाँ ये भी है, और कोई अच्छा नहीं है इनके पास, लेट्स सी कि जो होती है वो बहुत सारे हाँ ये ठीक है। देखो ये स्पाइडर की नाम है इसका पता नहीं क्यों, देखते हैं। पहले तो दो चीज़ें जान लो, अच्छा मैं इसके साथ ही बता दूंगा, हाँ बेटर रहेगा, मैं इसके साथ ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके ये आ गया, प्लांट्स नैरो लीफ ब्रॉड लीफ। अब देखो नैरो लीफ एंड ब्रॉड लीफ ये दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। मैंने आपको एक कोई फ्रेंड प्लांट दे दिया, मैंने बोला बताओ ये क्या है, मतलब ये कौन सा प्लांट है, इसका नाम क्या है, इसके कैरेक्टर्स क्या है, तो उस तुमको देख तो सकते हो उसको आँखों से, तो आँखों से देख के तुम बता सकते हो कि इसकी नैरो लीफ है ब्रॉड लीफ है, ठीक है। तो ब्रॉड लीफ जैसे इसकी दिख रही है ना, नैरो लीफ इसकी दिख रही है, तो तुम इसे देख के बता सकते हो। सो ये जो दो ट्रेट्स हैं इन्हें साथ में क्या कहते हैं? कपलेट कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहेंगे? कपलेट। क्या कहते हैं? कपलेट। ऐसे ही बहुत सारे कपलेट होते हैं, ठीक है। कपलेट होते क्या हैं? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जिनके बेसिस पे ये पूरा की चलता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे देखो दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ वन एंड रिजेक्शन ऑफ वन। मैंने बोला मैंने तुमको प्लांट दे दिया, मैंने बोला इसमें नैरो लीफ है ब्रॉड, तो तुमने बोला नैरो, तो मैंने बोला ठीक है ब्रॉड, अब हट गया। वही है, वही चीज़ देखिए, एक ही चीज़ को बार बार अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश हो रही है। ईच स्टेटमेंट ऑफ अ की इज कॉल्ड अ लीड। जैसे हम जैसे किसी क्राइम में कोई एक लीड होता है, सर हमें एक लीड मिल गई अभी हमने उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, सिमिलरली यहाँ पे भी एक लीड है, तुमको एक लीड मिल गई, एक डायरेक्शन मिल गया कि नैरो लीफ है इसकी, ठीक है। फिर मतलब वही है, ईच स्टेटमेंट ऑफ द की, ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है उसको क्या कहते हैं? की। ये भी एक की है, ये भी नहीं एक सेकंड लीड कहते हैं, सॉरी ये क्या है, ये भी एक लीड है और ये भी एक लीड है, ये सारी एक लीड्स हैं, एंड दो लीड, दो कॉन्ट्रास्टिंग लीड को साथ में क्या करेंगे? कपलेट करेंगे। सेपरेट टेक्सोनॉमिकल की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, फैमिली जीनस सबका अलग अलग होता है, स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। अब देखो मैंने तुमको जो दिया था, मान लो उसमें नैरो लीव्स थी, बेल लाइक फ्लावर था, तो तुम बुला सकते हो ब्लू बेल था, ठीक है। ये स्पाइडर की है, स्पाइडर स्पीसी होगी या फिर जीनस हो गया, फैमिली होगी कुछ एक पर्टिकुलर प्लांट की,
तो फिर मैंने बोला कि चलो उसमें तुमने देखा ब्रॉड लीफ है मान लो, ठीक है, तो तुमने कहा कि टॉप पेटल डज नॉट, अब मैंने दो तुमको मैंने बोला, मैंने जैसे ये एक ऐसा समझो ना एक डिक्शनरी टाइप है, जैसे हम डिक्शनरी में पहले पहला वर्ड देखते हैं, फिर उससे दूसरा वर्ड देखते हैं, फिर तीसरा वर्ड, धीरे धीरे मेन वर्ड पर पहुँच जाते हैं, ये कुछ वैसा ही है। ऐसे हम एक की को यूज़ करते हैं और अपने मान लो वो प्राइम रोज़, मैंने तुमको प्राइम रोज़ दिया, ठीक है, तो तुमने देखा प्राइम रोज़ में पहले तो ब्रॉड लीव्स थी, फिर तुमने देखा टॉप पेटल डज नॉट ओवर हैंग लोअर पेटल, ठीक है, ये तुमने देखा, फिर तुमने देखा कि वो क्लब शेप लीव थी, तो तुमने ये सारे जो भी ट्रेस थे इनको इनके बेसिस पे तुमने बताया दैट ये जो आपने मुझे दिया है ये प्राइम रोज़ है। तो दिस इज़ हाउ की इज़ यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।